कमीशन ने ये कहा, फवाद चौधरी से पहले इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने कहा कि आपके लीडर तो बड़े बदतमीज हैं, आज क्या सवाल जवाब हुआ है इमरान खान? नहीं नहीं, कोई इस हवाले से बदतमीजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई। देखें, अगर किसी जगह के ऊपर जैसे कि लास्ट हियरिंग के ऊपर चीफ साहब ने कहा कि मेरी जो अहली है उनके हवाले से जो है उन्होंने जुबान इस्तेमाल की है जलसे के अंदर, तो गुजारिश ये है कि अगर कोई जुबान किसी जगह पे इस्तेमाल हुई है तो उसका एक प्रोसेस है कि आप डेफामेशन जो है नोटिस भेजें या कोई जो आपने कार्रवाई करनी है वो करें, लेकिन ये नहीं है कि आप सीट के ऊपर बैठकर आप ओहदे का गलत इस्तेमाल करें और पर्सनल अगर कोई रिमार्क्स आए या कोई बात आई है तो उसके ऊपर जो है आप आके कार्रवाई जो है शुरू कर दें। अच्छा नईम पंजोता साहब, ये कहिएगा कि इमरान खान साहब बहुत ज्यादा इख्तलाफ, बहुत ज्यादा तनकीद करते रहे माजी करीब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, आज जब इमरान खान साहब वहां पर पहुंचे अदालत के अंदर, क्या कुछ हुआ जब इमरान खान और उनका आमना सामना हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? देखें, कोई बिल्कुल नॉर्मल रूटीन के मुताबिक वहां पे सारी कार्रवाई हुई, किसी तरह से कोई ना सवाल हुआ ना जवाब हुआ, सिर्फ और सिर्फ वारंट की हद तक हमने वहां पे सरेंडर किया और जो कल से एक हाइप क्रिएट की गई थी कि गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, टीमें तश्कील दे दी गई हैं, आईजी साहब जो हैं वो इसके ऊपर इजलास बुलाया और पुलिस जा रही है, तो वो चीज जो है अब खत्म होगी, अब इसमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट डेट के ऊपर 2 तारीख के लिए समाज जो है वो रवैया कैसा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर? रवैया बहुत अच्छा था, बेहतरीन था, किसी तरह से वो कोई वहाँ पे इस तरह का रवैया नहीं था। चीफ इलेक्शन कमीशन तो आए थे ही नहीं, मेंबर थे सर, एक दो को पेश होंगे दोबारा। देखिए, केसेस इतने हैं कि अब देखते हैं कि जिस तरह से सरकार ने केसेस बना दिए हैं पूरे पाकिस्तान में, कभी क्वेटा दर्ज होता है, कभी साइफर वाला मामला उठा दिया जाता है, कभी जो है वो उसके ऊपर बगावत के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, तो केसेस से अगर उस दिन इस तरह की पेशी ना हुई तो जरूर पेश होंगे। खान साहब तो किसी जगह पे ना भाग रहे हैं, आप देख लें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कल जिस तरह की सूरत हाल थी वहां पे जैसे प्लांट करके लोग लाए गए थे और जो नाराबाजी की और अदालत के ऊपर जैसे हमला किया गया, फिर बाद में एक लिक्विड था या क्या था, एक बोतल जो है वो फेंकी गई। जी आज भी इसी तरह से एक जी देखिए, खड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खड़े हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि जो ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब की जो है तजलील की जा रही है अदालतों के अंदर पेश करके, अदालतों के अंदर बुला के, जो कि स्टेटमेंट राणा सनाउला ने ये दी थी कि खान साहब जो है वो उसको मैं इतना भगाऊंगा कि वो खुद कहेगा कि मुझे गिरफ्तार कर लो, तो ये सिर्फ सिर्फ वो प्रैक्टिस होगी। साहब जब भी खान साहब पेशी के लिए आते हैं यही कहा जाता है कि आज गिरफ्तार करेंगे, कल गिरफ्तार करेंगे, लेकिन रिलीफ पर रिलीफ खान साहब को मिल रहा है, हवाएं बदलना शुरू हो गई हैं, क्या मामला बेहतरी की जानिब जा रहे हैं इमरान खान? देखिए, गुजारिश ये है कि कोई रिलीफ नहीं है, जितने केसेस बनाए गए हैं वो सारे बोगस हैं। 4 मुकदमात में अगले दिन आपने देखा कि ऑर्डर आया, ऑर्डर के अंदर उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई सबूत ही नहीं दिया, तो जब सबूत ही ना हो केस के अंदर तो बेल तो कन्फर्म होनी। इसी तरह से जो प्री अरेस्ट बेल है, जिन जिन लोगों में जिन जिन केसेस में खान साहब जो हैं वो पेश हो रहे हैं उनमें अगर बेल हो रही है तो केसेस ही ऐसे हैं कमजोर बनाए गए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको बेलें मिलती हैं, और रिलीफ वाली सिर्फ बात की जा रही है कि रिलीफ दिया जा रहा है, केस कोई एक है ही नहीं किसी तरह से कोई मजबूत कि जिसमें वो जो खान साहब को गिरफ्तार करें या सजा दें, तो ये सारी जो टैक्टिक्स की जा रही है वो वैसे अदालत हमने सुना था, तुहीन इलेक्शन कमीशन वैसे जी इसके ऊपर मैंने वो पहले बताया कि तुहीन इलेक्शन कमीशन जो है वो कानून के मुताबिक नहीं है, जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो करती है, और 100 वोटों का इख्तियार तो बिल्कुल ही नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और ये जो नोटिस भेजा गया वो गैर कानूनी। लास्टली बताइएगा, खान साहब से आपकी वोखला की मुलाकात हुई है रात को, क्या बॉडी लैंग्वेज क्या कहना है? देखिए, रात को जो मुलाकात हुई है तकरीबन कोई हमारी घंटा जारी रही है, और साइफर के ऊपर बड़ा हंस हंस के वो हमें बता रहे थे कि देखें ये जो साइफर है वो बेसिकली जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल फॉर्म में जो फॉरन ऑफिस है उसके पास होता है, और जो पीएम है उसके पास कॉपियां होती हैं, वो भी डी क्लास 5 फॉर्म में आई थी, तो मेरे पास तो ना किसी वो जो डॉक्यूमेंट्स था वो उसका कस्टोडियन मैं तो नहीं था, तो मेरे ऊपर जानबूझ के ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कभी कहते हैं चुरा लिया गया है, कभी कहते हैं कि सियासी मकासद के इस्तेमाल किए गए। देखना ये है कि क्या वो डॉक्यूमेंट जो खान साहब ने जिसका जिक्र किया है डी क्लासीफाइड फॉर्म में आके कि क्या वो सियासी इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप उसका रिजल्ट देख लें कि एक चलती फिरती हुकूमत को जिस तरह से गिराया गया उससे साबित हो गया है कि वो वाकई बाहर से धमकी मिली थी और ये सारी जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया।